प्यारे बच्चे नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लीनियर एलजेब्रा के टॉपिक में हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं एंड दैट टॉपिक इज मैट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो आज हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। मैट्रिक्स में बहुत कुछ हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग में जो यूनिट होती है मैट्रिक्स रिलेटेड उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसमें रैंक निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। देन इसके बाद में स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व भी हम लोग करते हैं, करेक्ट। एंड देन इसके बाद में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स एंड देन इसके बाद में कैली हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स में अक्सर यूज होती है। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग फर्दर अपने आने वाले वीडियोस में लेंगे, लेकिन हम ये इन सारे टॉपिक्स पे जाने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स के और डिटरमिनेंट के उसके ऊपर बात करेंगे आज, ठीक। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बिकॉज इन फ्यूचर दीज टॉपिक्स मेड सम बेसिक्स फॉर नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। तो हम लोग आइए जरा इनके ऊपर बात करें क्या होती है मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ चीजें और क्या क्या चीजें हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है इस यूनिट में उनके ऊपर एक ब्रीफ में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये जो यूनिट है आरजीपीवी का जो नया सिलेबस आया है सीबीएसई स्कीम का, है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, तो उस स्कीम में ये पहला यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे मैट्रिक्स के ऊपर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग थोड़ा जानते भी होंगे, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब हम लोग नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं और इस तरह से भी कुछ नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जितने ऐसे ये जो नंबर्स को जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं हम लोग रोज, और ये जो वर्टिकल नंबर्स की रोज बन वो लाइंस बनती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग कॉलम। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जो लिखते हैं तो उसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है और उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हम लोगों को मैट्रिक्स को देख के पता चल जाती हैं स्टूडेंट्स। नाउ तो ये तो हो गई मैट्रिक्स की डेफिनेशन। जैसे कि ये यहां पर मैट्रिक्स है 2 3 4 5, राइट, 4 5, यहां पर 1 2 3 6 0 1 2 3, तो ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। और आपको दिख रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है 1 2 3 है और कॉलम है 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4 स्टूडेंट, ठीक। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। इस छोटी सी ब्रीफ डेफिनेशन के बाद में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, यस, राइट। तो मैट्रिक्स के टाइप में स्टूडेंट नंबर 1 होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n इक्वल ना हो, यानी कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, या तो लंबाई बड़ी होती है या चौड़ाई बड़ी होती है, दोनों कर्वे भी बराबर नहीं होते हैं। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, दे ऑलवेज डिफरेंट, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, ऑलवेज इक्वल हो, उसे कहते हैं हम लोग व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, जैसे कि वर्ग होता है, ठीक है ना, ज्योमेट्री में उसी तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नंबर 3 स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसमें डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगा, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो जीरो नहीं होंगे, रेस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो जीरो होंगे, ठीक, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और यही डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है अगर उसका ये वाला जो डायगोनल है ये जीरो ना हो, करेक्ट, मतलब कि इस मैं ये जो डायगोनल होता है स्टूडेंट दैट डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, और ये जो डायगोनल होता है ना दैट डायगोनल दैट इज कॉल्ड अनदर डायगोनल, करेक्ट, बट दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स हो तो ये, और इसके अलावा एक दूसरा मतलब इसका शायद नाम होता होगा स्टूडेंट दैट इज, ठीक है वो दूसरा नाम नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कि ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को लेकर बनाया हुआ और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जीरो होंगे स्टूडेंट। देन इसके बाद में होता है स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स होता है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकालें तो वो जो डिटरमिनेंट है वो अगर जीरो आता हो स्टूडेंट, इट मींस दैट कि द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इफ इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे ही होता है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट, तो नॉन सिंगुलर में बस इस कंडीशन का उल्टा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, if the determinant value of the matrix is not equals to zero then the matrix is called non-singular matrix। अब हो सकता है कि आप लोगों को ये determinant में थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो कि what is determinant of a matrix, तो मैं यहाँ पे short में आपको ये बता देता हूँ कि determinant क्या होता है। वास्तव में कि जैसे कोई square matrix है, square matrix का ही determinant निकलता है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स या दूसरे टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, केवल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2, 3, 4, 0, 1, 2, -1, 0 and 3, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, तो जब उस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि अगर ये ऐसे होता दिस वन तो ये मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स ए, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है ये इस तरह से इन लाइंस के बीच में लिखा जाता है इसे, करेक्ट, और कभी भी इस तरह से ब्रैकेट मत बनाइएगा क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर आप ब्रैकेट बनाते हैं तो इट्स रॉन्ग, वो गलत माना जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कॉपियों में कि बच्चे डिटरमिनेंट का सिंबल लगाते हैं और फिर भी मैट्रिक्स साइन यूज करते हैं तो वो गलत से काट दिया जाता है, तो डोंट यूज इट। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट, और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, इसे सॉल्व हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक, हम इसको किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो इसको ऐसे लिखेंगे 2, 1, 0, 2, 3 एंड फिर -3, 0, -1, 2, 3 एंड देन फाइनली +4, 0, -1, 1, 0, ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे और आगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 3 -0, 3 -0, -3, 0,
और ये माइनस टू तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस फोर जीरो प्लस वन एंड दिस इज इक्वल्स टू सिक्स माइनस सिक्स एंड प्लस फोर, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट और हमारे पास में आ जाएगा प्लस फोर। तो इस मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आई है फोर। ध्यान रहे कि किसी भी डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किया जाता है तो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जबकि मैट्रिक्स की कोई अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। वो तो बस केवल अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, और वास्तव में मैट्रिक्स हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज मैट्रिक्स को पढ़ने, स्टडी करने से मैट्रिक्स कई जगह पर हम लोगों के काम आता है, बिकॉज इसमें जो ऑपरेशंस यूज होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम लोगों की जगह पर काम आती हैं। दैट्स व्हाई हम लोग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं। तो खैर मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। देन इसके बाद में एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल, सपोज दैट दिस इज 2 3 0 एंड 0 4 3 0 0 एंड 8, जैसे कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और इसके नीचे के सारे जीरो हो तो इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उल्टा हो जाता, यानी कि नीचे के जीरो नहीं होते, ऊपर के मैट्रिक्स मतलब इस डायगोनल के ऊपर के मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होते, जैसे कि 2 0 0, ठीक है ना, और 3 8 0 4 3 2, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे कहते हैं हम लोग लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रहा अपर ट्राइंगुलर, नाम से याद रखिएगा, अपर मतलब जिसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हुए, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके नाम हुए। अब जरा मैं बात करूंगा आपसे अगले टॉपिक की ओर कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, उनको घटाते हैं, कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जरा उसे फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया था आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक टाइप होता है मैट्रिक्स का। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट की एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वाली कंडीशन जरूरी है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो हो स्टूडेंट, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखो जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसके देखो जरा डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ये 4x4 का डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट, करेक्ट। ऐसे ही फिर 2x2 का भी आप बना सकते हैं डायगोनल, 3x का, 3x3 का एंड हायर ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, सॉरी नॉट डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट, करेक्ट। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, जब एक ही ऑर्डर के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सपोज दैट कि ये एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट दिस इज द 3x2 का मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है, ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है। ये बात ध्यान रहे स्टूडेंट कि मैट्रिक्स का एक ही ऑर्डर का होना जरूरी है उनको ऐड करने के लिए। तो सपोज दैट दोनों 3x2 के हैं और ए मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर कुछ इस तरह से है, सपोज दैट कि ए इज इक्वल्स टू है 3x2, मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए 2 3 4 2 0 -3, तो ये हो गया स्टूडेंट 3x2,
और ये b, तो ऐसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया स्टूडेंट एक b मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो अ 3x2 मैट्रिक्स। तो जब आप a प्लस b करेंगे तो ये मैट्रिक्स जब जुड़ेंगे स्टूडेंट तो बिल्कुल 2 4 0 3 2 -3 एंड प्लस, इस तरह से लिखेंगे इसको बिल्कुल एज इट इज, जैसे ये मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड 3 5, तो ये मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट। जब आप इनको ऐड करेंगे मैट्रिक्स को, तो ध्यान दीजिएगा इन्हें ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, यानी कि 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, जो 1 2 पोजीशन पे होगा वो 1 2 पोजीशन वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, जो 2 1 पोजीशन पे होगा वो 2 1 पोजीशन, जो 2 2 पोजीशन पे होगा वो 2 2 पोजीशन, जो 3 1 पोजीशन पे होगा वो 3 1, जो 3 2 पोजीशन पे होगा वो 3 2 पोजीशन के एलिमेंट से जुड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का जो सम है वो कुछ ऐसा आएगा, 2 प्लस 0 3 प्लस 1 4 प्लस 2 2 प्लस 3 0 प्लस 4 एंड -3 प्लस 5। और जब आप इनको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, द एडिशन ऑफ दीज मैट्रिक्स इज 2 इज 2 4 6 5 4 एंड -3 प्लस 5 इट्स +2। तो ये इस एडिशन का आंसर हुआ है स्टूडेंट। तो आपको आई होप कि सिंपल से एग्जांपल से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। सिंपल है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, शर्त बस ये है कि जिन भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं दोनों का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का तो आप उन्हें आसानी से जोड़ लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। अब ये तो एडिशन हुआ स्टूडेंट, अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता यानी ए माइनस बी करना होता तो बहुत आसान है, यहाँ माइनस साइन लग जाता, ये माइनस साइन, और जहां जहां ये प्लस साइन आया है वहां वहां माइनस साइन लग जाता है स्टूडेंट, यानी साइन चेंज हो जाता पूरा का पूरा। ठीक, ये हो जाता 2 -0 3 -1 4 -2 2 -3 0 -4 और ये -3 -5। तो हमारे पास जो आंसर आता वो थोड़ा चेंज हो जाता है स्टूडेंट, और आंसर हमारे पास में आता इट्स अ 2 इट्स अ 2 इट्स अ 2 इट्स अ -1 इट्स अ -4 एंड इट्स अ -8। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से करते हैं स्टूडेंट किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हुआ स्टूडेंट मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। अब आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसे समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने की एक शर्त होती है स्टूडेंट। क्या शर्त होती है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी और आप ए इंटू बी करना चाहते हैं, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, कि अगर आप ए इंटू बी करना चाहते हैं, ए में बी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो शर्त है वो शर्त ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक, यानी पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतनी ही रो दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए, तो ही उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी ए इंटू बी हो सकता है। और अगर बी इंटू ए करेंगे तो फिर बी में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो ये इस शर्त का खास ख्याल रहे स्टूडेंट जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो।
और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं तो आप आसानी से उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर ये शर्त देखने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सपोज दैट कि हम लोग एक मैट्रिक्स लें, ये हो गया मान लीजिए 2, 3, 4, 2 and 1, 0, दिस इज 2, not 2, इट्स अ 3x2 मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तीन रो है, 2 कॉलम है, तो अब अगले वाले में होना चाहिए 2 रो। सपोज दैट 2 - 3 एंड यस 2 - 3 यस कॉलम तो कुछ भी हो सकता है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड 4, 3 यस राइट, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 2x, ओके 3 रो चाहिए ना हमें लेकिन इसमें, है ना, तो हमें इसमें 3 रो 2 कॉलम, तो अब इसमें 3 रो होनी चाहिए, ठीक है ना, तो 3 रो, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो नंबर ऑफ रोज 2 होनी चाहिए, 2 रोज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये 2 रोज हो गए स्टूडेंट, तो सही है, ओके थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था तो सही है, 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज, ये कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान देना इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा ना मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का होगा पता है, 3x2 का होगा, ठीक है ना। तो आइए जरा हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए टू बी करेंगे स्टूडेंट, तो दिस इज 2, 3, 4, 2, 1, 0 और ये हमने प्रोडक्ट किया इनके बीच में और इट्स 2, 4, -3 and +3, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स। और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो देखना जरा कैसे प्रोडक्ट करते हैं, बहुत आसान है ये प्रोसेस, ध्यान में रखिएगा, पहले रो में इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है ना। तो कैसे, जब हम इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 2, ये पहले रो में इस दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 2 into 2 + 3 into 4, करेक्ट। तो पहले रो में पहला कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया, नाउ स्पेस पहले रो में दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 2 into -3 and + 3 into 3, राइट, ये फिनिश, कॉलम खत्म तो मैट्रिक्स, ये फिनिश। नाउ दूसरा रो, पहला मैट्रिक्स का दूसरा रो और फिर पहला कॉलम, तो 4 into 2 + 4 into 2 + 2 into 4, नाउ सेकेंड कॉलम 4 into -3 + 2 into 3, नाउ अब थर्ड रो में पहला कॉलम, तो यहाँ की थर्ड रो आएगी स्टूडेंट 1 into 2 + 0 into 4 and 1 into -3 + 0 into 3, तो ये हुआ स्टूडेंट इनका मल्टीप्लीकेशन। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज 4 + 4 + 12, तो 4 + 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इट्स अ 16, इट्स अ -6 और 9, तो 9 में से -6 गया, इट्स अ +3, 8 + 8 = 16 एंड -12 + 6, तो इट्स अ -6 स्टूडेंट, ये माइनस का 6, माइनस का 12 और प्लस का 6 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 और प्लस का 0 यानी कि ये -3, तो ये आया स्टूडेंट एक मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर है 3x2 स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक, पहले मैट्रिक्स के रो लिए जाते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम किए मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और पहली रो में जितने दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम होंगे बारी बारी से सबका मल्टीप्लाई होता जाएगा और यहाँ पर नंबर ये एलिमेंट्स बनते जाएंगे,
यानी पूरे एक रो में पूरे कॉलम का जब मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आने वाला मैट्रिक्स है उसका एक एलिमेंट बनता है, फिर इसी रो में दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। समझ में आई बात? करेक्ट। तो ये भी हुआ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट, कभी कभी कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि ये एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, उसे समझिए। उसको कभी कभी हम लोग इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां कहीं पर लिखा हुआ है R1 इज इम्प्लाइज R1 प्लस R2, या इसी को ही अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में स्टूडेंट, R12। इसको कभी कभी शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि R1 में R2 को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसे R1 की जगह पर लिखना है स्टूडेंट। और कहीं पर अगर ऐसे लिखें जैसे हम लोग R1 टू R1 -3 R2, मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, R3 में 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसको माइनस कर देना है। तो जब इसको इस सिंबल में लिखेंगे पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे R1 -2 एंड 3, नॉट 3, 2 -3, ये इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट। करेक्ट। क्या हुआ इसका मतलब, यानी R1 में -2 से मल्टीप्लाई करना है, R2 में -3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। सॉरी, यहाँ पे प्लस टू से था, नॉट -2। यस सर, ठीक है ना। यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई, R2 में -3 से मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर देना है। तो ये सिंबल्स यूज होते हैं कभी कभी जब हम लोग मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट, इनका यूज ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि यही मैट्रिक्स है, ये सपोज दैट हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा है 3 2 1 4 6 8 एंड 3 1 0, ये मैट्रिक्स ले लीजिए। अब अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग ऐसे करें R1 R1 प्लस R2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस मैट्रिक्स को अगली बार लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, एंड दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू R1 और R2 को ऐड करना है और उन दोनों का जो आंसर है वो R1 की जगह पर लिखना है। तो चेंज किस में आएगा स्टूडेंट, R1 में। तो 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 6 8 एंड 1 प्लस 8 9, और बाकी की ये दोनों रो एज इट इज आ जाएंगे 4 6 8, ठीक है ना, 3 1 0, करेक्ट। तो ये इसमें चेंज हुआ स्टूडेंट। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, क्या अगर हम लोग इसी मैट्रिक्स में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और एक ऑपरेशन और लगा दें, कौन सा वाला, R2 R2 -2 R3, मतलब कि R3 में -2 से मल्टीप्लाई कर देना है या और इसमें जोड़ देना है, या ऐसे भी समझ सकते हो कि R3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और R2 से माइनस कर देना है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो या तो डायरेक्ट कर दो इसमें, या फिर अलग से सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग इसे। कैसे, जैसे R2 को अलग लिख दो 4 6 8, और R3 को फिर अलग लिख दो -2 से मल्टीप्लाई करके, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 0, और फिर पूरे को क्या कर दो माइनस, ये माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो हमारा जो आंसर आएगा उसे हमें लिखना कहां पर है, R2 की जगह पर। तो 7 एज इट इज, 8 एज इट इज, 9 एज इट इज, और ये जो आंसर आया ये R2 की जगह पर, इट्स अ -2 4 8, और R3 एज इट इज, R3 में कोई चेंजेस नहीं, 3 1 0, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं, और सेम इसी की तरह कॉलम ऑपरेशन यूज होते हैं।
C1 प्लस C2, मतलब कि कॉलम वन में कॉलम टू को ऐड कर दो और जो आंसर आएगा उसे कॉलम नंबर वन की जगह पर लिखो, ये इसका मतलब है। और ऐसे शॉर्ट में अगर इसे लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं C1 2, तो इसका मतलब है C1 और C2 को ऐड कर देना है और आंसर जो होगा ये C1 की जगह पर लिखा जाएगा। तो ये कॉलम ऑपरेशन हुआ स्टूडेंट, ठीक। तो ये हमने अलग से किया, आप चाहते तो डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 6, और 4 माइनस 6 करेंगे तो -2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 2, 6 माइनस 2 4 एंड 8 माइनस 0 ये, ठीक। जो यहां लिखा होता है उस रो में चेंज आता है या उस कॉलम में चेंज आता है, बाकी रो और कॉलम एज इट इज रहते हैं। और ये जो नए मैट्रिक्स बन के आते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स, ठीक। तो ये स्टूडेंट हुआ मैट्रिक्स का कुछ बेसिक। यस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है ना। इसका जो सिंबल तो बहुत आसान है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए डैश, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज को हम लोग सिंबल ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत ही आसान होता है। अगर कोई मैट्रिक्स जैसे ये बी है तो इस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे पता है वो क्या होगा, कुछ ये रो को कॉलम में चेंज कर दो, कैसे, 2 -3 एंड 4 3, यानी जो रो है उनको कॉलम बना दो तो वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है, करेक्ट। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और होता है स्टूडेंट, व्हाट इज माइनर, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो माइनर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे माइनर का मतलब होता है उसका, उस मैट्रिक्स का जो सब मैट्रिक्स होता है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, उसे बोलते हैं हम लोग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स जो किसी ऑर्डर का है उस मैट्रिक्स के उस ऑर्डर से कम ऑर्डर का जो भी माइनर बन सकता हो, सॉरी जो भी मैट्रिक्स बन सकता हो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम लोग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे ये ए जो है 3 2 1 0 -1 0 3 8 7, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इट्स अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका, इस मैट्रिक्स ए का जो सबसे बड़ा माइनर बन सकता है वो बन सकता है मैट्रिक्स ए का माइनर खुद अपने आप में, और जो और दूसरे माइनर्स बन सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये जो है ये माइनर होगा ही नहीं, इट्स अ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। माइनर का ऑर्डर तो हमेशा ए के ऑर्डर से छोटा ही रहेगा, तो क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसका जो भी माइनर बन सकता है वो ऑर्डर 2 का बन सकता है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। तो इस पूरे मैट्रिक्स में से आप कोई भी दो रो और दो कॉलम के एलिमेंट्स ले लो, जैसे कि ये 4 एलिमेंट ले लिए हमने, ये 3 2 0 -1, तो ये जो बना स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट जो बना दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए। ये माइनर है किसका, इस मैट्रिक्स ए का, और उसके लिए हमने ये 4 एलिमेंट लिए। आप चाहते तो इन दोनों को ले लेते तो ये एक और माइनर बन जाता है, 2 -1 1 0, तो ये एक और माइनर बन गया। आप चाहते तो इस पहले और आखिरी को ले लेते, आप चाहते तो इनको ले लें, ये ऐसे 0 -1 3 8। तो हम एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उससे कम ऑर्डर का जो भी माइनर बना, जो भी डिटरमिनेंट बना सकते हैं वो सब उस मैट्रिक्स के माइनर्स हैं, और इसके कुल मिला के हम कई सारे माइनर्स बना सकते हैं, कुल मिला के 9 बना सकते हैं, 1 2, फिर यहां पर बन जाएगा ये 3, ठीक है ना। फिर ये इन दोनों को मिला के हम बना सकते हैं 4, फिर हम इन दोनों को मिला के बना सकते हैं 5, ठीक है ना, इन दोनों को बना सकते हैं 6, इन दोनों को मिला के बना सकते हैं 7, इसे 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 लेके बना सकते हैं 8, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में एक और बन सकता है, आई थिंक मैं शायद कहीं पे कुछ मिस कर रहा हूँ, यस 8 तो बन गए। यस, इन दोनों को मिला के बना लिया, इनको बना के, हाँ इनको मिला के बनाया था कि नहीं, शायद बना लिया होगा, एक आध और बन सकता है, तो आप वो बुक में देख लेंगे तो पता चल जाएगा आपको, यानी कि कंसेप्ट तो समझ में आया ना माइनर का, क्या होता है माइनर।
जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे कम ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के एलिमेंट से बनाया जा सकता है वो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का माइनर होगा, ठीक है ना। माइनर को आई थिंक हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, हिंदी की बुक में आप लोग देख लीजिएगा। तो समझ में आया, माइनर होता मैट्रिक्स, और एक टर्म और यूज होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होता है? होता ये स्टूडेंट कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए, 3x3 का है, 2, 3, 4, 6, 0, -1, 2, -1, 3। नाउ इस मैट्रिक्स के जितने भी माइनर्स बन सकते हैं, ठीक है ना, उन माइनर्स का एक मैट्रिक्स अगर बनाया जाए तो दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम इस मैट्रिक्स के को फैक्टर्स, ठीक है ना, सॉरी मैं माइनर गलत वर्ड यूज कर दिया, दैट इज कॉल्ड को फैक्टर्स, और को फैक्टर्स का रिलेशन माइनर से है। जैसे इसके कुल मिला के 9 माइनर्स बन सकते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उतने ही उसके माइनर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एडजॉइंट बनता है, नॉट और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और सब अदर मैट्रिक्स। तो जैसे इस मैट्रिक्स में ये पोजीशन 1 1 है, तो यहां पर हम लोग को फैक्टर बनाएंगे C11, और C11 पता है क्या होगा, दिस इज द माइनर, व्हाट, 0, -1, -1, 3, ये इसका एक माइनर होगा, ठीक है ना। C11 इज गिवन बाय द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इट इज 0 एंड +0, -1, तो इट्स 0, -1 यानी कि 1। C12, C12 का मतलब क्या होता है, C12 यानी ये पोजीशन, तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 6, 2, -1, 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2, तो 18 प्लस 2, इट इज 20। C13, तो C13 इज व्हाट, ये 6, 0, 2, -1, तो इट इज इक्वल्स टू -6 और -6 -0, तो इट्स -6। C13, सी नॉट C13 तो हो गया, इट्स C21। तो C21 की जो पोजीशन होती है स्टूडेंट, मैं यहां पर एक चीज और मिस कर रहा हूं कि C12, यस C12 की जो पोजीशन होती है वो नेगेटिव पोजीशन होती है, इसलिए ये माइनस साइन आएगा, है ना। तो यहां पर ये भी माइनस साइन के साथ में आएगा, तो ये -20, करेक्ट, और C13 तो ये इवन नंबर है इसलिए प्लस मिलेगा। C21 फिर ये नेगेटिव पोजीशन होती है, तो नेगेटिव पोजीशन C21 मतलब ये 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे, 3, 4, -1, 3, एंड इट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 13। फिर C22, ये पॉजिटिव पोजीशन होती है, ठीक, तो ये एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 2, 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 मतलब -2। देन इसके बाद में C23 पोजीशन, तो C23 पोजीशन नेगेटिव होगी, और इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये 2, 3, 2, 3, 2, -1, तो दिस इज इक्वल्स टू -2 एंड -6, तो इट इज -8। फिर C31, तो C31 मतलब ये रो और ये कॉलम, तो ये एलिमेंट्स बचे 4, तो इट्स 3, 4, 0, -1, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसको ऐसे कर लो, ठीक, माइनस साइन क्योंकि लगाया ना आगे, तो इट्स अ +8 नॉट -8, ठीक। और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी शायद मिस कर गया हूँ, है ना, क्योंकि ये माइनस साइन था, तो इट्स 9, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगा लो, तो इट्स -13, ठीक। ये ठीक है,
आप सी थ्री वन इट इज माइनस थ्री एंड जीरो इट्स माइनस थ्री, सी थ्री टू ये नेगेटिव पोजिशन है तो थ्री टू में ये थर्ड और ये तो इट्स सिक्स टू सिक्स फोर माइनस वन तो इट इज इक्वल टू माइनस माइनस टू एंड माइनस ट्वेंटी फोर छह टू चौबीस तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का छब्बीस और प्लस माइनस एक बार ही है तो ये प्लस ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा। फिर सी थ्री थ्री इज इक्वल टू मैट्रिक्स थ्री थ्री यानी कि टू सिक्स थ्री जीरो तो इट इज इक्वल टू टू माइनस एटीन तो टू माइनस एटीन मतलब इट इज माइनस सिक्सटीन है ना। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए और जो एडजॉइंट होता है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए उसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं एडजॉइंट ए और दिस इज इक्वल्स टू ये जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं इनको इस तरह से अरेंज कर दीजिए स्टूडेंट कैसे सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू एंड सी थ्री थ्री ये मैट्रिक्स में नॉट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में इनको अरेंज कर दीजिए तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इन सब न्यूमेरिकल वैल्यूज से ये जितनी भी वैल्यू आई है इनको फैक्टर्स की ने यहां सब्स्टिट्यूट करिए तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक तो ये स्टूडेंट कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो आप लोगों को मैंने बताया जो कि मैट्रिक्स यूनिट को शुरू करने के लिए जरूरी थे तो इन सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक हम लोग जब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट तो हम लोग वहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो हम लोग रैंक के ऊपर बात करेंगे उसकी डेफिनेशन देखेंगे उस कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट कि ये जो टॉपिक हमने देखे ये बेसिक जो था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक और इसमें फिर भी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम आती है तो यकीनन आप हमें अपने फीडबैक दीजिए और हमें व्हाट्सएप या मेल करिए। सो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।